हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का नाम बदलने के कयासों ने राजनीति गलियारों में हलचल मचा दी है। बीजेपी के इस नामकरण की सियासत को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए सीएम जयराम ठाकुर का उदाहरण दिया है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि अगर सीएम जयराम ठाकुर का नाम बदल दिया जाए तो कैसा लगेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी भी दी है कि शिमला का नाम बदलकर श्यामला किया गया तो जनता चुप नहीं बैठेगी। बीजेपी के नामकरण की सियासत उत्तर प्रदेश से होते हुए हिमाचल पहुंच गई है। जैसे ही इलाहाबाद का नाम बदला गया, वैसे ही पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले शिमला का भी नाम बदलने की कवायद तेज हो गई। अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी सरकार यहां भी नामकरण करने को तैयार है। हालांकि अभी तक इस पर मुहर नहीं लगी है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इन कयासों ने भूचाल ला दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी की सियासत पर जोरदार हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि शिमला का नाम रखने से पहले इस शहर में श्यामला देवी का कोई मंदिर नहीं था, किसी भी किताब में इसका उल्लेख नहीं मिलेगा। अंग्रेजों के आने से पहले ही इस जगह का नाम शिमला रहा है। पहले यहाँ केवल एक ही मंदिर जाखू में होता था। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल अपने फायदे के लिए बदलाव को बढ़ावा दे रही है, लेकिन अगर सीएम जयराम ठाकुर का नाम बदल दिया जाए तो कैसा लगेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि शिमला का नाम बदलकर श्यामला रखा गया तो जनता चुप नहीं बैठेगी। अगर बीजेपी ने फिर भी जबरदस्ती शहर का नाम बदला तो कांग्रेस की सत्ता में आने पर फिर इसका नाम शिमला हो जाएगा। इसके खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा होगा। वही नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विकास से जनता का ध्यान हटाने के लिए ही बीजेपी सरकार शिमला का नाम बदलने जैसे बेबुनियाद मुद्दों को उठा रही है, इससे फिजूल खर्ची ही बढ़ेगी। शिमला का नाम बदलने के कयासों पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी बदलाव पर आगे बढ़ेगी या फिर अपने कदम पीछे खींचेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।